मेरे को ना थोड़ा सा लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे एक दो कामों के चक्कर में। हमारी एक दो जगह पे कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, मुझसे शादी करोगी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड व्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव व्लॉगिंग। बड़े ही दिनों बाद आज व्लॉग हो रहा है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है, सो बेसिकली अगर आपको मेरी वीडियो में मैं थोड़ी लो दिखूं कुछ आने वाले महीनों में, सो जस्ट इसे समझ लेना कि दीदी जी बीमार चल रही है। बट आज वी फील गुड, वी फील बेटर, तो हम करेंगे व्लॉग और करेंगे काम। मैंने इतने दिनों से काम नहीं किया है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, तो आ जाओ। ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको सेलिब्रेशन भी मिलेगा, थोड़ा इधर उधर ये वो सब मिलेगा, एकदम ऐसे मिक्सचर बना के देंगे हम आपको। आ जाओ, आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू परोठा और धनिया की चटनी। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किंचो। मजा माँ, आप कैसे हो? मैं भी मजे में। वैसे गोपाली आलू पराठा खाती नहीं है। नहीं नहीं खा ली तू, मुझे मुझे उम्र के साथ मुझे सब पसंद आने लगे। अब उम्र के साथ मुझे सब कुछ पसंद आने लग गया है, तो हम बनाएंगे। अब मेरी लड़की बूढ़ी हो गई है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लुच्ची बहन, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड, बट आलू परोठे खाने हैं? नहीं आप, मैं तो अभी भी जेन जी हूं ना। तो तुझे क्या चाहिए? सोर्डो विद एवोकाडो टोस्ट। यार वो मैंने एक जगह का खाया था, वो इतना अच्छा लग गया है। तू वही लग रही है क्या? हाँ मैं तो वही हूँ। तो मुझे नहीं पहननी चाहिए कि दादी गुस्सा करेंगी ये टी-शर्ट पहन के। दादी का एजेंडा होता है कि बाबा हीरो लगे, और बाबा हीरो लगना नहीं चाहते दादी। हेलो जी, मैं मस्त नहा के एकदम गुड गर्ल बन गई हूँ। सब गुड गर्ल बन गए हैं, सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। यस मम्मी अपने काम पे लगी हुई है, ऋषि अपने काम पे लगी हुई है, जानवी अपने काम पे लगी हुई है। पता है अब भी ना घर में ऐसा हो गया है मम्मी के लिए कि घर में मम्मी की तीन बेटियां हो गई है, और हम तीनों एक्चुअली इसके साथ बहुत मजा आ रही है। मैं ना सब मम्मी की फेवरेट हूँ, सारे फ्रेंड्स की मम्मी की, सारे फ्रेंड्स की मम्मी की। ऋषि पता है, मैं बताती हूँ ऋषि क्या करेगी। ऋषि आपकी फ्रेंड बनेगी, फिर आपके बारे में जानेगी, फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ के आपके बारे में आप ही की मम्मी को सब बता देगी। दिस इज ऋषि की क्वालिटी। बट पता अब ऐसा हो गया तिवारी सिस्टर में एक जोगानी सिस्टर ने ज्वाइन कर लिया, सो आई रियली फील दैट वे। एंड पता है मेरे को ना एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे कुछ करना था वीडियो में गानों के रिलेटेड, तो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट कमिंग अप। भूरी बेटी उसके लिए थोड़ा सा आई एम नॉट प्रिपेयर्ड मैं, मेरे को नहीं पता। तो हम लोग ना थोड़ी सी एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैं मम्मी पापा जानवी हम लोग बहुत टाइम से ऐसे हरिद्वार वगैरह जाने का सोच रहे हैं, तो हम वही सब प्लान कर रहे थे। भूरी बेटी जी मुझे मैसेज करके पूछती है, दीदी मम्मी पापा का ऑफिशियल नाम बताना आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ। अलग अलग लिखा है, क्योंकि दीदी की गीतांजलि स्पेलिंग है। कोई लोग जी डबल ई टी ए लिखते हैं, कोई लोग क्या लिखते हैं, मम्मी क्या लिखती है तुझे वो नहीं पता है। सवाल यहाँ ये है, और निवास में पापा का एन आई डब्ल्यू ए एस पापा ने खुद लिख रखा है, और जब मेरा मिडिल नेम आता है तो फिर उन्होंने वी लगा रखा है। मेरे पापा के नाम में निवास आता है, मेरे पापा घर नहीं है, एक पर निवास तिवारी पर के नाम में वी और डब्ल्यू आता है। पता ही लड़की, मैं बताती हूँ वही बोल जा रही थी। आप मम्मी पापा की स्पेलिंग तो चलो वो भी समझ नहीं आती है, बट ठीक है हम एक बार समझ लेते हैं। मैंने जानी को पूछा जान इसकी स्पेलिंग मुझे तो याद नहीं रहती है। हाँ, बता तेरे को खुद को अपनी बहन की स्पेलिंग याद नहीं? नहीं बहन की बहन को खुद को याद नहीं होती है, मैं क्या बोलूँ। बहन जी ने अपनी स्पेलिंग जे ए एच एन वी आई भी कर रखी है, जे एन ए एच ए वी आई भी कर रखी है, जे ए एन वी आई भी कर रखी है। और जब मैं पूछती हूँ जानवी तेरी स्पेलिंग कौन सी वाली है, रुक 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 मैं देखती हूँ, फिर अपने फोन में जाती है, आधार कार्ड का अपना फोटो निकालती है, फिर मुझे अपनी स्पेलिंग बताती है। मेरी दो जगह अलग अलग स्पेलिंग है, तो आई हैव टू सी मैं किधर जा रही हूँ उधर। और जानवी के साइन में जानवी मैडम ने और ही बलबलती स्पेलिंग रख रखी है, एनवी आई गाइस, मतलब इतना भसड़ इस समय मेरे दिमाग में नहीं है। ओके गाइस, तो हम ना ये बहुत टाइम से करने का सोच रहे थे कि हम लोगों को ना दोनों लोग हमारे ना गानों की चॉइसेस बहुत ज्यादा अलग है, तो हमने ना अभी हम क्या कर रहे हैं, जानवी और मैंने ना हमने रैंडम गाने लिखे हैं जिसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, और हमें गेस करना है इंग्लिश से कि हिंदी में वो गाने कौन से होते हैं। पहले यू गो जानवी। यू कम नियर एंड स्माइल लाइक दिस, यू मेड मी ड्रीम लाइक नेवर बिफोर, नाउ माई हार्ट कैन नीदर स्लीप। तुम पास आए, यू मुस्कुराए, क्या
कुछ कुछ होता है. At first sight, how did the magic happen? Your life has एक सेकंड पहली बार देखा इतना अंग्रेजी ऐसा कैसे हो गया ऐसा मैजिक हाँ. How did the magic happen? Your life has become my life. Don't know what will happen. तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी बन गई है. अरे मैं ट्राइंग फर्स्ट साइट. जानवी को इतनी हिंदी नहीं आती थी. एक नजर से प्यार होता है. वही वाला होगा. मैं आगे बोल रही हूँ ऋषि तो चुप रहा ठीक है. हाउ डिड द मैजिक हैपन. योर लाइफ हैज बिकम माई लाइफ. डोंट नो वॉट विल हैपन. पता नहीं क्या होगा. तेरी जिंदगी मेरी बन गई. पता नहीं क्या होगा. तेरी जिंदगी मेरी बन गई. पता नहीं क्या होगा. ये पता गाने रोमांटिकली को तो जानवी वैसे फ्रस्ट्रेटेड है. तेरी जिंदगी मेरी बन गई. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा. जानवी को फ्रस्ट्रेशन. इफ यू ऑल कैन गेस प्लीज कमेंट. हां प्लीज कमेंट. योर लाइफ हैज बिकम माय लाइफ. तेरी जिंदगी में मैं बता दूं. हां बता. पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया. So yes, चल जानवी second 1-0. You are the only one in my books. Who is it? You are the one. ऐसी क्या गंदा क्या पढ़ रही है जानवी. जम्मल अवार्ड्स खेल रही है. You are the only one in my diaries. Who is it? You are the one. आगे एक लाइन देखी क्या करी आगे बता. You are the only one in my diaries. Who is it? You are the one. नहीं पता. बता. मेरी डायरी में बने हैं तू ही है. यू आर माई जर्नी. यू आर माई डेस्टिनेशन. लिविंग रुक जा. यू आर माई जर्नी. यू आर माई डेस्टिनेशन. लिविंग विदाउट यू ओ हार्ट इज डिफिकल्ट. तू ही मेरा रास्ता. आगे क्या था. यू आर माई जर्नी. यू आर माई डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं. चुप कर. कोई नहीं बता रहा तुझे. डेस्टिनेशन. हे सिरी. Shut up. अरे डेस्टिनेशन तो ये कोई क्या ट्रांस दे. चुप कर. खुद का दिमाग लगा. लिविंग विदाउट यू इज वेरी डिफिकल्ट. तेरे बिन मेरी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट. तेरे साथ तेरे बिना ये दुनिया बहुत डिफिकल्ट. डिफिकल्ट का हिंदी. एक तो आधे टाइम इसको नहीं रहता. मैं बता दूं आंसर. नहीं मेरा रास्ता. पता वो एग्जाम में टाइम होता है ना 2 घंटे में आपको सबमिट करना होता है. तू सफर मेरा. तू ही मेरी मंजिल. तेरे बिना गुजारा. नॉट दिस काइंड ऑफ विन आई वॉन्ट. नॉट ऐसी जीत चाहूं. नॉट दिस काइंड ऑफ विन आई वॉन्ट. दिस काइंड ऑफ लाइफ वी वॉन्ट. वी वॉन्ट कम. मैं चाहूं तू आजा. अभी खुद लिरिक्स ढूंढने जा रहे हैं. मेरे तो बाद में चाहूं. मैं तो चाहूं बोलू. मैं बता क्या है. ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी. तू चाह रही है क्या. है क्या ये. मैंने सुना नहीं है. ऋत्विक का गाना है. अब ऐसी जीत चाहे जिंदगी हम ना आए आए आए. ये तो मैंने सुना ही नहीं है कभी. ये क्या तुम कुछ भी लाके सुनाओगे मुझे. मैंने भी काफी नहीं सुने. मैंने सुनते बोले वो तूने सुने. अभी नेक्स्ट वाला गाइस मेरे को ऐसे इंट्यूशन में गेस कर लो. योर ब्यूटीफुल फेस. ओ माय लिप्स सेड वाओ. एक सेकंड. तेरे सुंदर होंठ. सुन ले पहले पूरा. इवन इफ यू योर ब्यूटीफुल फेस. ओ माय लिप्स सेड वाओ. Even if you try to search on Google, where will you find a lover like me? तू Google पे सर्च कर. तू Google पे ढूंढ ले ऐसा कोई. पता है बहुत जानवी अगर तू गेस कर पाए ना इट्स वेरी इजी टू गेस. वापस बोल. ओके. योर ब्यूटिफुल फेस. ओ माय लिप्स. खूबसूरत चेहरा. मेरा लिप्स कर. वाओ वाओ वाओ. गूगल पे भी तू ना मिले. क्यों नहीं तक का डाल रहा है. मेरा लिप्स कर. वाओ वाओ वाओ. Your beautiful face, oh my lips said wow. Okay. Your beautiful face. तेरा चेहरा. उधर मत देख. ऋषि को होप्स के साथ देखती है ये.
मेरे लिप्स वो तेरे एग्जाम पेपर में आप अपनी बेसमेंट को देखते हो कहीं तो देख के थोड़ा एक ही वर्ड बता दे जानवी का भैया है रुचि को देख रुचि तुझे तो पता ही है बता दे अगर लिप्स ने वाव नहीं बोला हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा वाव बोल रहा है वो वाव मतलब हिंदी में वाव हिंदी में वाव हिंदी में वाव कैसे हो सकता है वाव इज वाव चल निकल चल तेरे को एक और हिंट देती हूँ और इजी करती हूँ वाह वाह रख चल माय लिप्स से तेरा चेहरा इतना सुंदर ये आप कैसे करे वाह बस माय लिप्स करे वाह अब तेरा मेरे होंठ वाह मेरे होंठ करे वाह निकली वहा ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा कहा पूरी पलटन के साथ लेके बारात आया और ये जानवी का फेवरेट गाना है हर बार क्लब में जाके बजवाती है नाच जिंग 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 आटे जिंग 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 गाइस वन वन रहा है ना किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है हेलो जी हमने थोड़े से कामकाज तो निपटा लिए थे उस दिन और क्योंकि मेरे को इसे बहुत अच्छा लग नहीं रहा था तो हमने बहुत कुछ खास किया नहीं था बट मैंने ना कुछ दिनों पहले व्लॉग किया था जब शिवरात्रि थी और घर पे मेरे सारे कजिन्स आए थे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पूरा पार्ट है तो आप वो देख लो आ जाओ बड़ा ही सुंदर सी गुड मॉर्निंग हो गई है सैटरडे है वीकेंड है सो मजा आने वाली है हमने पूरे वीक से थोड़ा बहुत काम शाम किया थोड़े से हमने नहीं भी किया है बट आज शिवरात्रि भी है और हेलो मम्मी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मम्मी आज एक्स्ट्रा खुश है क्योंकि मम्मी के बेस्ट फ्रेंड बड़ी मम्मी भी आए हुए हैं हेलो बड़ी माँ हेलो तो यहाँ पे भी सुबह सुबह शिवरात्रि की कुछ जानी है और ये बेस्ट फ्रेंड बता रही है क्योंकि ये लोग ऐसे कल इतनी देर ये लोग ऐसे एक दूसरे को हग कर रहे थे जब बेस्ट फ्रेंड्स बहुत देर दिनों बाद मिलते ना वैसे सही तुमने ध्यान दिया हाँ दिया ना मैंने ध्यान दिया ना हमारी जो लुच्ची बहन है वो अभी तक सो रही है तो आज ना शिवरात्रि है तो हमारे घर में आधे लोगों का फास्ट है कुछ लोग करेंगे नहीं 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 आपकी छोटी बेटी नहीं करेगी कुछ दुष्ट लोग हैं जो नहीं करेंगे इतने बढ़िया आइटम बन रहे की वो खाने को मजबूर तो मम्मी आप शिवरात्रि के लिए स्पेशली ये दोनों लोग मिलके अलग ही व्यंजन बना रहे हैं जानो उठ जा गुड मॉर्निंग सेलू दिख रहा गुड मॉर्निंग चलो सब लोग ना हो तभी नाश्ता मिलेगा शिवरात्रि है बिना नहाए खाना देखने भी नहीं दिया जाएगा हेलो जी मैं नहा के एकदम मस्त गुड गर्ल बन गया और आज मैंने से इंडियन शिंडियन सा पहन लिया ऐसे फेस्टिवल वाली वाइब आई इसलिए भूख लग रही है मुझे बहुत जोर की चलो नीचे चलते आ जाओ ये है सिंघाड़े के आटे की लापसी बन रही है यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें बन रही है ओ साबूदाना की खिचड़ी बन चुकी है क्योंकि लोग ज्यादा हैं यस बहुत जोर की भूख लगी हुई है और आलू बॉयल हो रहे हैं ये आलू बॉयल हो रहे हैं और ये चाय बन रही है और मोरिया की खिचड़ी की तैयारी और गाइस वैसे हमारा व्रत है आज हम लोगों का उपवास है ठीक है और ये बन रही है खीर और यहाँ पे खीर भी बन रही है वाह उपवास पार्टी चल रही है गाइस अलग ही प्लेटर बनाया जा रहा है आज फलहार का आज बहुत आइटम बन रहे हैं परफॉर्मेंस चल रही है आज जीनू दीदी का बर्थडे भी है चीयर्स टू शिवरात्रि एंड पार्टी गाइस जानवी का पीरियड का सेकेंड है उसका दिमाग इतना खराब हो गया है सुबह उठते ही इसको मूवी देखने जानी है जो मूवी लगी है वो दिखा दो और मैं बहुत टाइम से यार कोई मूवी नहीं आ रही अभी तो तेरे को पठान दिख रही है मुझे पठान कम पसंद आई थी कोई बात नहीं मेरा कमेंट सेक्शन नहीं है इसका है नो हेट कमेंट और ये वो उसका छोटा भाई मुझे तो शहजादा कब से देखनी थी देखो ये स्क्रीन है ये चार कर रही हूँ बीच की मैं ये वाला थिएटर में जाऊंगी क्योंकि मैं वहाँ कभी हाँ, नहीं ये थिएटर में जाना ये मूवी देखने जानी तुम लोग चल रहे हो मैं कुछ नहीं जानते हमें ट्रेलर भी नहीं अच्छा लग रहा तुम लोग चल रहे हो और जानी ना मैं एक बार नहीं बोगस मूवी इतने बार दिखाई है पहले तुम लोग दिखाते थे ये हमें वो मूवी दिखाने लगी थी आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी मम्मी इधर आ इसको और ये ना हमें कोई हथौड़ा सी पिक्चर दिखाने लेके जा रही है और मम्मी को बोल रही है कि मम्मी इनको लोगों को बोलो अगर पिक्चर अच्छी ना लगे तो मुझे कुछ भी ना बोला जाए ये कैसा तरीका है
और इसके पास एक रेस्क्यू नंबर है, अगर आपको थिएटर वाले खाना अंदर ना लेके जाने दें तो आप उस नंबर पे फोन करो, वो लोग तुरंत आएंगे और आपको आपका खाना अंदर लेके जाने देंगे। एमरजेंसी सर्विस है ये। सो गाइज, आज वैसे शिवरात्रि भी है और पूजा वूजा हुई है, बट हमें से कुछ लोग पूजा में बैठने लायक नहीं है तो हम पूजा में नहीं बैठे हैं। yes. बट और दूसरी चीज़ें बोली थी कि आज जिनू दीदी का बर्थडे भी है तो हम वो भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने क्योंकि बहुत टाइम बाद इसका मन कर रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं मूवी देखने। ये हमने अब जानवी के क्लोजेट की जगह तिवारी सिस्टर्स क्लोजेट कर देना है, फुल तिवारी सिस्टर्स फैमिली यही रेडी हो रही होती है। पता है ये बहुत अनप्लान्ड सा वीकेंड एक गेटअवे बन गया है हम कजिन्स के लिए। अनजाना आ आ आ आ आ अनजानी ई ई ई ई ये। आजकल पता नहीं कि मुझे से कुर्ती और ये वाली चूड़ी इतनी अच्छी लग रही है ना पहनने में। इंसुएपी हा 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 हा। हेलो जी, हम लोग निकल चुके हैं हमारी मूवी 1:05 पे, हम लोग 1 बजे निकले जबकि थिएटर दूर है क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़े पापा से बिजनेस रिलेटेड बात करने लगी थी। मेरे को ना थोड़ा सा लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे एक दो कामों के चक्कर में, हमारी एक दो जगह पे कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को डाकू बनने का मन कर रहा है ऑल ऑफ अ सडन क्योंकि हम डाकू बन के ही काम हो सकते हैं। नहीं डाकू, ओ गॉड भाई, नहीं जानवी मुझे SMC ऑफिस में अपनी गाड़ी से जाके कंप्लेन करनी है, बहुत नॉर्मल सा पर हाँ थोड़ा सा चिक चिक वाला काम है, थोड़ा सरदर्दी वाला काम है जो मुझे करना पड़ेगा मंडे को, तो वीकेंड के बाद मेरे पास एक बहुत बड़ा त्रास वाला लिस्ट है जो मेरे को काम करना है। बट यस, अभी चलते हैं शहजादा देखते हैं, उसके बाद जीनू दीदी आ जाएंगे तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, मेरे को ना ऐसे ये वाला वीकेंड चाहिए था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी पिछले कुछ दिनों से, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि तुम लोग आए, मेरे को ऐसे थोड़ा से हार्श टाइप फील हो रहा है। जो मेरे को भी काम मिला है ना इसमें ना, मेरे को वो जो वैसे अंकल लोग होते हैं ना रिजिड अंकल लोग, उन लोगों से लड़ना है, फूल जैसी लड़की को रिजिड अंकल लोगों से लड़ने में ना बहुत त्रास होता है। मैं ज़्यादा बकवास कर लिया, मैंने बहुत दिनों से की नहीं थी ना बकवास, तो मेरे को अच्छा लग रहा है बकवास। Also guys, हमारे पास पुराना ड्राइवर है, मुझे गाड़ी नहीं चलानी पड़ रही है। पता है ये लोगों ने तो व्रत नहीं रखा है, मैंने तो व्रत रखा है, ये लोग तो पॉपकॉर्न खाएंगे, मैं इन लोगों को देखूंगी। गाइज बाई द वे, मेरी हिस्ट्री है कि मैं बोरिंग मूवीज अगर मुझे देखने मिल जाती तो मैं सो जाती हूँ मूवीज में। सेलू मुझे अच्छे से आते, वो मुझे अहमदाबाद में बागी दिखाने लेके गई थी और मैं मूवी में सो रही थी, इंटरवल हुआ सेलू ने मुझे उठाया, हम बाहर गए, इंटरवल के बाद मैं आके वापस सो गई थी भाई। वो बागी क्या बागे जैसी मूवी थी, मेरी गाड़ी इतनी गंदी हो गई, इतने दिनों से गुड़गल नहीं बनी, मेरी गाड़ी धुल गया, कल मेरा यही काम है गाड़ी धुलवा लेते हैं यार, आज इतनी गंदी गाड़ी लेके तो कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ऐसा अच्छा लगता है इतनी गंदी गाड़ी से इतनी सुंदर लड़की उतरती हुई। हेलो जी, हमारी मूवी हो गई है खत्म। गाइस कैसी थी मूवी? मुझे तो अच्छी लगी, इट वाज गुड, फनी थी। सेलू कैसी थी? अच्छी थी, वन टाइम वॉच था, सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छा लगा मुझे आफ्टर। हाँ मतलब काफी ऐसे लाइक एक टाइम पास करने के लिए अच्छी मूवी थी। हाँ। ऐसे कुछ भलभलती चीजें हो रही थी थोड़ी, हाँ मजा आई। ठीक है हम लोगों को, हम जा रहे हैं केक लेते हैं जीनू दीदी का, एंड लेट्स गो होम। गाइस आई एम गेटिंग सम फ्लावर्स फॉर जीनू दीदी, कितने प्यारे सन फ्लावर्स हैं, प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। गाइस आई गॉट सम फ्लावर्स, ले सेलो, दिस इज फॉर यू। ये हमारा बड़ा पुराना घर है, हम जब बच्चे हुआ करते थे ना हमारे पूरे जॉइंट फैमिली में एक ही गाड़ी थी, फोर्ड आइकॉन, हम उसमें सुना करते थे। और इसका अगर मेरे बंदे ने नहीं नाचा शादी पे, शादी कैंसिल, बोल पेंसिल, शादी क्या मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, कबारों से कितना सताओगी रानी, मेरी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। गाइस नेक्स्ट स्टॉप इज अ केक शॉप। जैसे मैं ये वाला अच्छा लग रहा है, दिस इज रिच चॉकलेट, रेनबो भी काफी क्यूट लग रहा है, रेनबो क्यूट लग रहा है, एंड देन वी आल्सो लाइक दिस द ट्रफल समथिंग समथिंग। भैया ये रिच चॉकलेट पैक कर दीजिए ना, मोहब्बत वाला
पत्तियों में ऐसा डाला कजरी ने ले ली मेरी जान। हम लोग घर पहुंच गए और घर आने के बाद हम लोग इसे थोड़े से कडल्स शडल्स कर रहे, सब लोग बेड पे पड़ गए हैं। ये मजा ही अलग है, ये अलग ही वीकेंड चल रहा है, बड़ा प्यारा सा वीकेंड है। यमी यमी सा लंच आ गया, ये मोरिया की खिचड़ी है और सिंगाड़े के आटे की कढ़ी और मोरिया की खिचड़ी है। हेलो जी, शाम हो रही है, हम लोग मस्त छत पे आ गए, इतना प्यारा सनसेट हो रहा है सामने, आप देख लो सीधी सीधी लाइट पड़ रही है। बहुत दिनों बाद में छत पे आई हूँ, बहुत गंदी हो गई है छत हमारी ना, लिफ्ट अभी तक लगी नहीं है तो छत पे हम आ नहीं पाते, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आना होता है और मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ। और ऐसे मुझे मेरा पुराना घर दिख रहा है जिसपे अब हमारा रेनोवेशन का काम चालू हो गया है, क्योंकि वो टूट रहा था, बहुत पुराना हो गया था वो, उसका मेरे को दिख रहा है उस पर काम चल रहा है। बहुत बहुत अलग फीलिंग है ये, कि मेरे को कभी कभी ना मेरे को मेरे पुराने घर की बहुत याद आती है। अलग वाइब थी, मतलब वो छोटा घर था ना तो सब साथ ही रहते थे, सब पता होता था कौन क्या कहाँ है। यहाँ पे हमें काफ़ी बार फ़ोन करना पड़ जाता है एक ही घर में रह के, सो वो डिफरेंस है। बट मैं थोड़ी सी बीमार हुई हूँ और मेरे को इतनी वीकनेस लगने लगी, इतना तो मेरे को नहीं आपना चाहिए इस उम्र में, इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ मैं। बट ये सनसेट बड़ा प्यारा सो रहा है, हम लोग बस ऐसे खड़े होकर चिलचिल मार रहे हैं। गाइस हमने सोचा था यहाँ पे लोहे वाली सीढ़ियाँ लगवा लेंगे, बट हम कंजूस लोग, हमने पैसे बचाने की सोची है क्योंकि सारा पैसा नीचे घर में लगा दिया। यहाँ से कैसे चढ़ेगी, ऊपर वाले पे कैसे जाएगी, जा चढ़। हाँ यहाँ से कैसे चढ़ेगी भाई, वो टूट जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जीनू दीदी। और जीनू दीदी आके मैं डरा दिया, मैं चिल्लाई हूँ इनको देख के। हम अभी नीचे ये सोच के उतरे थे कि आप नहीं आ रहे तो हम ही कॉफी पी आते कहीं बाहर जाके। गाइस रात हो चुकी है, हम सब पागल हो चुके हैं इस टाइम पर, सो जाने जानवी दीदी को। ये रात को मिडनाइट स्नैकिंग चल रही है यहाँ पे, ये लोगों ने कप्पा नूडल्स खाए, ये हेल्दी मीठा खाया जा रहा है। हेलो आंटी। हेलो गाइस, इट इज द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग। और मैं मेरे बालों में से डैंड्रफ ऐसे करके स्क्रैच करवा रही हूँ क्योंकि बहुत गंदा डैंड्रफ हो गया मेरे को, और जो शैम्पू वैम्पू से नहीं निकल रहे तो ऐसे करके खुद ही निकाल ले रहे हैं, अभी मैनुअल सिस्टम चल रहा है इधर। और पूरा घर मिलकर हमारा बहुत ज़्यादा शोर हल्ला मचा रहा है आज। आज अगर मैंने ब्लैक पहना तो मैं आपको बताती, मेरी पूरी फोन स्क्रीन पे डैंड्रफ हो गया है, इतना डैंड्रफ हुआ है ना मुझे जी। गुड मॉर्निंग, व्रत हमारा कल हो चुका है ख़त्म, ब्रेकफास्ट में बन रही है सैंडविच और बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय, और यहाँ पे घी लगा लगा के सैंडविच बनाई जा रही है, और यहाँ पे फुल संडे माहौल चल रहा है। हेलो जी, मैं मस्त रहा के गुड गर्ल बन चुकी, मैंने आज भी हेयर वॉश किया क्योंकि हमने वो डैंड्रफ पूरा ऐसे बैठ के निकाला था, एंड ये सब रेडी हो रहे हैं। मैं अकेली लेट चल रही होती हूँ बट फिर भी मैं रेडी हो जाऊंगी। सब लोग एकदम हीरोइन बन रहे हैं, तो हम पूरी फैमिली मिलके फैमिली डिनर पे जाने वाले हैं, हम पूरी फैमिली मिलके फैमिली लंच पे जाने वाले हैं, हम कुछ 19-20 लोग हैं, सो ये मजा आने वाली है। ये आई एम सो हैप्पी, लेट्स गो। गाइज मीट द एनिवर्सरी कपल। हेलो गाइज, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच। पता है इनको 5 साल हो गए शादी के, मेरे को जब पता चला मेरे को खुद में बूढ़ा फील होने लग गया था, लेकिन मैंने 5 साल पहले, और पता है मैंने ना इनकी शादी बहुत मजे से हम लोगों ने एग्जीक्यूट की थी, पूरा संगीत एग्जीक्यूट किया था, ऐसे हमने अपना एनुअल फंक्शन टाइप मनाया था। हेलो जी, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा लेट नहीं हूँ, मेरे बाल भी अभी तक गीले हैं, बट अब हमें लेट होगा, सो लेट्स गो। चलो चलो चलो, मैं तो कब की तैयार हूँ, इतना लेट कर रहे हो आप लोग। हेलो जी, हम मस्त रेडी होकर निकले, मैंने पता है 2 मिनट में मेकअप किया, जानवी ने मेरा मेकअप देख के बोला दीदी कल से ना तो जल्दी तैयार हुआ करेगी चीज़ों को लेके, मेरी थोड़ी सी डांट शांट लगा दी, उसके हिसाब से मेरा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिखावे वाला पर्स ले लिया है क्योंकि आज सारे बड़े जा रहे, तो आज मुझे पैसे नहीं देने हैं, पक्की बात है। सो यस, पहले हम चलेंगे केक पिक करेंगे एनिवर्सरी का, तो क्योंकि सब एक ही साथ आ रही होती है तो बर्थडे का केक, एनिवर्सरी का केक, बहुत केक हो गया इस वीडियो में, बट हम पहले केक पिक करेंगे और फिर जाएंगे होटल
केक कट करेंगे, खाना खाएंगे, मुझे तो भूख भी लग रही है और मेरे बाल भी गिरे हैं। सही बोल रहे हैं, नहा तो जल्दी लेना चाहिए था मुझे। थैंक यू सेलू, थैंक यू, नमस्ते। गाइज इसे 15 लोगों का सेटिंग बिठाना है और हम लोग पहले आ गए तो हम बेस्ट सीट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसे सारी टेबलें हम जोड़ रहे हैं, जोड़ के हम अपनी टेबल बना रहे हैं। गाइज ये लोग हमसे पहले निकले थे, हम केक लेके पहुंच गए हैं पर ये लोग अभी इतने लेट आ रहे हैं। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, कितनी खुश है देखना। सेलिब्रिटी वाली एंट्री ये लोग ले रहे हैं, प्लीज सब बड़े पापा को ही वोट दें। चलो बड़े चलो, अब अपन थोड़ी देर आराम करते हैं, अपना नंबर बहुत लास्ट। गाइस फैमिली फोटो के लिए इकट्ठा किया जा रहा है लोगों को। चलो चलो चलो, हेलो जी, गुड मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे। कल रात को सब लोग चले गए थे और एकदम से खाली खाली हो गया था घर। राइट नाउ आई एम थोड़ा सा वर्किंग। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग बुरी बेटी, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ बैठ के नाश्ता शाश्ता कर रहे हैं। मम्मी ने बहुत ही यम्मी से बढ़िया बढ़िया से डोसा बनाया है, तो हम लोग चाय डोसा कर रहे हैं, थोड़ा सा काम धंधा कर रहे हैं। यस आज यही प्लान है कि थोड़ा सा काम वाम करना है। जो मैंने आपको बताया था मुझे थोड़ी सी लड़ाई लड़ाई करने जानी है, वो भी हमें जाना है। मैं गई भी थी थोड़ा सा, मैंने देखा भी कल, और थोड़ा देखते हैं आज करेंगे, उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। मैं मम्मी को लेके जाने वाली हूँ, मम्मी के नाम पे प्लॉट है ना, तो मम्मी से लड़ाई करवाऊंगी मैं। यदि मम्मी नहीं लड़ पाती, लड़ने में सिर्फ मैं ही एक्सपर्ट हूँ। हेलो जी, हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। टाटा।